बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे ढेर सारा। और आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा मशरूम चिकन, क्रीमी क्रीमी सा। सबसे पहले ऐड करूँगी मैं इसमें ऑयल, ऑयल 7 to 8 टेबल स्पून है। क्योंकि इसमें बटर भी अभी जाएगा। और ये 1 टेबल स्पून बटर, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 जवें, कुटा हुआ नहीं है ये, कटा हुआ है बारीक बारीक सा, चॉप्ड गार्लिक ये ऐड कर देंगे। इसको लाइट सा गोल्डन करेंगे। बिल्कुल छोटा सा प्याज है वो भी मैंने चॉप काट लिए, ये दैट्स इट। इसको हम अच्छे से लाइट गोल्डन कर लेंगे, ठीक है। देखें चिकन अब ऐड करेंगे, ये लाइट गोल्डन हो गए। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन है ये तकरीबन 300 ग्राम, बोनलेस भी ले सकते हैं, ये मैंने विथ बोन लिया। अब इसको एक साइड पे अच्छे से पकने देंगे और थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली, 3 to 4 है छोटे साइज की। ये अच्छे से गोल्डन भी हो गया आप देख सकते हैं। अगेन इसको कवर कर देंगे, ये लो फ्लेम पे पका रही हूँ मैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम, फ्रेश मैं लेकर आई थी, आप तीन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इसकी कटिंग कर ली है, इसको अच्छे से छील कर। और ये हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट गल चुका है। ये 7 से 8 हैं, ये मैंने ऐसे इसको काट लिया था बारीक बारीक बारीक, बहुत बारीक भी नहीं है क्योंकि कट के छोटे ही हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। और अब इसको हम अगेन स्टीम पे लग देंगे, लगा देंगे और इसको अच्छे से भून भी लेंगे और पका भी लेंगे, ठीक है जी। 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाता है। मशरूम भी ऑलरेडी गल चुके हैं। अच्छा, अब डालेंगे हम सॉल्ट हसबे ज़रूरत, 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं। जब इसमें थोड़ी सी चीज़ भी जाएगी, और साथ में वाइट पेपर ऐड करना है। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है, ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, बट वाइट पेपर ही से इसकी असल जो टेस्ट निकलता है, टेस्ट और इसका जो कलर है वो आएगा इंशाल्लाह जैसा होता है। ये डाल दिए वाइट पेपर, दैट्स इट। और इंशाल्लाह ये 10 से 15 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाता है चिकन बन के। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम लास्ट में, थ्री हंड्रेड ग्राम क्रीम ऐड करेंगे। किसी भी पैक के ले लें, ये व्हिपिंग क्रीम है। हम इसको 2 से 3 मिनट स्टीम पे रख देंगे। ये देखिए जी, कुछ देर के बाद हमने इसका ढक्कन हटाया। और ये बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़ा सा बिल्कुल चीज़ ऑप्शनल, अगर आप डाल सकते हैं, है घर में तो डाल लें, वरना नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा धनिया, दैट्स इट। अब इसको हिला लेंगे और चूल्हा बिल्कुल बंद। और ये हो गया हमारा चिकन मशरूम बिल्कुल रेडी। ये देखें जी, मज़ेदार सा मशरूम चिकन रेडी है बनके। खुद भी खाएं, दूसरों को भी बना के खिलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।